नमस्कार दोस्तों, मैं कपिलेश शर्मा, SNN 7 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। चरित्र शंका को लेकर शिक्षक पति ने शिक्षिका पत्नी की शादी के 20 वर्षों के बाद कर दी हत्या। पहले पत्थरों से बुरी तरह मारा, फिर पेट्रोल डालकर आग लगाकर जलाया। शादी को हो गए थे 20 से अधिक वर्ष। शंका का जुनून अगर सवार हो जाए तो इसके आगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी शंका के चलते ऐसे कृत्य कर जाते हैं जिससे उनकी शिक्षा पर ही सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सेंधवा ग्रामीण से निकलकर सामने आया है, जिसमें शिक्षक ने अपनी शिक्षिका पत्नी को शादी के करीब 20 वर्ष से अधिक वर्षों के बाद चरित्र शंका के चलते बेरहमी से पहले पत्थरों से बुरी तरह मारा, फिर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। पत्नी बुरी तरह से आग में झुलस गई। परिजनों द्वारा गाड़ी में लेकर सेंधवा निजी अस्पताल लाया गया, जहाँ उपचार के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। ग्रामीण थाना अंतर्गत शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर ग्राम शाहपुरा में प्राथमिक स्कूल गुड़चाल के शिक्षक वाल सिंह पिता जाम सिंह भुगवारे ने अपनी पत्नी जसमाबाई को चरित्र शंका के चलते शुक्रवार अल सुबह 4 से 4:30 के दरमियान पहले पत्थरों से मारकर लहूलुहान कर दिया, फिर बाद में उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग के हवाले कर दिया। इस पूरे मामले को दंपत्ति के पुत्र विशाल ने प्रत्यक्ष देखा और पिता के खिलाफ FIR कराई। मामले में आरोपी अभी भी फरार है, पुलिस जाँच कर रही है। तो कल रात में भी वह इसी बात पर अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था और उसने तैयारी कर ली थी क्या करने की, पेट्रोल लाने के अंदर रखा था शीशे होटल में, और उसने अपनी पत्नी के साथ पत्थरों से झगड़ा करने के बारे में पहुँचाया। वो बासी खेत में गिर गई, उसके ऊपर उसने पेट्रोल डाल के आग लगाई। सर, घटना में कोई प्रत्यक्षदर्शी भी है? हाँ, ये घटना उसके के ही लड़के ने देखी, जो बारहवीं क्लास में पढ़ा है विशाल, और जो उसके आगे पढ़े गए उन्होंने भी घटना को देखा है। उसके बाद घायल अवस्था में मृतका को जो उसके चश्मा भाई को हॉस्पिटल लाया गया, और यहाँ हॉस्पिटल में उस समय तक जिंदा रहने के बाद उसको। सर, बचाने की कोशिश की गई थी परिजनों द्वारा? हाँ, परिजनों द्वारा तुरंत हॉस्पिटल में लाया गया था और बचाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बच पाई। उसके पति ने हत्या के बाद वो तुरंत मोटरसाइकिल से भाग गया था। उसकी तलाश में पार्टियाँ भेजी गई और शीघ्र ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पति और पत्नी दोनों ही स्कूल टीचर थे। जो उसकी पत्नी थी वही मिडिल स्कूल में पासी गांव में पढ़ाती थी, और जो पति था वो एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाता था, और एक तीन बच्चे, एक बड़ा बेटा है जो इंजीनियरिंग कर रहा है इंदौर में, और दूसरा बारहवीं जो इसलिए एक बच्ची है जो छोटी है 8 साल। सर, घटना के समय कोई झड़प वगैरह हुई थी, बचाव करता वगैरह कोई लोग मौजूद थे, या कि उनको थोड़ी देर बाद घटना का पता चला? वो पति पत्नी के झगड़े चल रहे थे, फिर उसके बाद इस तरह की घटना को लोगों ने देखा है, उन्होंने उसको पकड़ नहीं पाया आरोपी को, और वहाँ से भाग गया। उसके बाद घायल जो थी उसको ले गया। सर, अभी आरोपी के बारे में कुछ सुराग वगैरह कुछ लगे? आरोपी की लिए लगाए गए, पार्टियां भेजी गई, शीघ्र ही गिरफ्तार करें।